सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, जब इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने एक ही पारी में लगाए थे दोहरे शतक, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है जब किसी दो बल्लेबाज ने एक ही पारी में दोहरे शतक लगाना मामूली बात है? टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा मात्र 16 बार हुआ है जब एक ही पारी में दोनों बल्लेबाजों ने दोहरा शतक लगाया है। भारत ने क्रिकेट जगत को काफी महान बल्लेबाज दिए हैं। 2008 में वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने एक ही पारी में दोहरा शतक लगाया था। यह मुकाबला फिरोज शाह कोटला मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। हालांकि यह मुकाबला ड्रॉ हो गया था। आपको बता दें कि वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर एकमात्र भारतीय जोड़ी है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में दोहरे शतक बनाए हैं। गौतम गंभीर ने इस पारी में 206 रन बनाए थे, तो वही लक्ष्मण ने इस पारी में 200 रन बनाए थे। इस जोड़ी ने 278 रनों की साझेदारी बनाई थी। भारत ने 7 विकेट्स के नुकसान पर 613 रन बनाए थे, जिसके बाद भारत ने पारी घोषित कर दी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 577 रन बनाए थे और नतीजा ड्रॉ के रूप में निकल आया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।